गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 9 डेटा स्ट्रक्चर स्टैक एंड क्यू के स्टैक पार्ट्स को पढ़ेंगे। स्टैक क्या होता है या स्टैक पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ओवरफ्लो केस क्या होता है, अंडरफ्लो केस क्या होता है, पीक क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट्स इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर मतलब सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें एक सिक्वेंस में वर्क होता है। सेकंड पॉइंट, तेरा स्टैक इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच एन एलिमेंट में बी इंसर्टेड और डिलीटेड ओनली एट वन एंड कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक। मतलब स्टैक में अगर हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं या किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं, तो ये दोनों ऑपरेशन हम एक ही एंड से कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं टॉप एंड। मतलब, और थर्ड पॉइंट है कि इट फॉलो द प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब इसमें जो रूल्स फॉलो किया जाता है वो लास्ट एंड फर्स्ट आउट रूल्स मेथड यूज़ किया जाता है, जिसमें लास्ट में आने वाली चीज़ पहले जाती है। ठीक है, कह रहा है इट मीन्स द एलिमेंट इंसर्टेड लास्ट। क्या? तो इट मीन्स द लास्ट, इट मीन्स द एलिमेंट इंसर्टेड लास्ट वुड बी द फर्स्ट टू बी डिलीटेड। मतलब जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मोस्टली हम लोग देखते हैं कि हम किसी शादी किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो प्लेट्स रखी रहती हैं, क्लीन प्लेट्स जो आती हैं वो कैसे रखते हैं। मतलब जो प्लेट्स आती हैं क्लीन करके, वो प्लेट्स रखने वाले क्या करते हैं कि सबसे पहली जो प्लेट क्लीन की वो सबसे नीचे, फिर सेकंड, उसके ऊपर थर्ड की, उसके ऊपर फोर्थ की, उसके ऊपर फिफ्थ की, उसके ऊपर। तो देखो इसमें इंसर्शन क्या हो रहा है, टॉप एंड से हो रहा है। मतलब जो चीज़ आ रही है वो टॉप पे आती आ रही है। अब अगर हमें इसमें से इसमें से प्लेट्स को लेना होता है यूज़ करने के लिए, तो हम क्या करते हैं टॉप वाली रिमूव कराते हैं कि हमने ये ले ली, फिर सेकंड ने ये ले ली, थर्ड ने ये ले ली, फोर्थ ने ये ले ली। तो इसमें इंसर्शन और डिलीशन जो दोनों हो रहा है वो हमारा कहाँ से हो रहा है, टॉप एंड से। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये इतना समझ आ गया होगा कि स्टैक में क्या होता है। स्टैक में जो रूल्स फॉलो होता है वो लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड यूज़ होता है। मतलब लास्ट में आने वाली चीज़ पहले वापस जाती है। अब ऑपरेशन ऑन स्टैक, मतलब जो अभी हमने देखा कि उसमें एलिमेंट्स हम प्लेट्स रख रहे थे, प्लेट्स हटा रहे थे, तो ऐसे ही इसमें जो हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, तो कह रहा है देर आर मेनली टू टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी डन विद स्टैक। पुश कर सकते हैं या हम पॉप कर सकते हैं। पुश मतलब इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट ऑन टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पुश। मतलब इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट ऑन टॉप, मतलब टॉप में किसी एलिमेंट को इंसर्ट कराना, ये चीज़ हमारी कहलाती है पुश। और रिमूवल एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पॉप। और रिमूवल, टॉप से रिमूव कराना, ये कहलाता है पॉप। तेरा पुश एंड पॉप ऑपरेशन आर डन फ्रॉम सिंगल एंड कॉल्ड टॉप। मतलब पुश और पॉप ऑपरेशन हम कहाँ से डन करते हैं, सिंगल एंड से, जो होता है हमारा टॉप एंड। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, कह रहे लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। सब लिस्ट ऑफ आइटम विच इज टू बी इंसर्टेड इन द स्टैक ऑफ साइज 5। मतलब हमारे पास क्या है, सपोज वी हैव अ लिस्ट, मतलब हमारे पास है। बुला रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक की हमारी एक लिस्ट है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि इसमें हम इंसर्ट कराएंगे, ठीक है, एलिमेंट। तो हमारे पास ये क्या है, ये एक एम्प्टी स्टैक है। ठीक है,
ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो पुश मीन्स क्या है कि हमने एक एलिमेंट यहाँ से इंसर्ट कराया, तो जो हमने 24 पुश किया तो सबसे नीचे आया, मतलब ऊपर से हमने इंसर्ट किया 24 आ गया। अब जब 56 करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा 56, फिर उसके बाद यहाँ से हमने 4, ठीक है, थर्ड नंबर में 4, फिर फोर्थ पे ये 9, और ये फिर यहाँ से होगा 2। तो देखो सबसे लास्ट में हमने जो एलिमेंट इंसर्ट किया वो सबसे टॉप पे रहा, ठीक है। ये हो गया हमारा पुश ऑपरेशन। अब पॉप क्या होगा कि अब इस स्टैक को, ये हमारा एक फुल स्टैक है, अब इसमें से हम रिमूव करेंगे, पॉप किया हमने 2, तो 2 पॉप होने के बाद ये बचे, फिर 9 पॉप किया, फिर ये बचे, फिर 4 पॉप किया, फिर 56 24 बचे, फिर हमने 24 को 56 को रिमूव किया, फिर 4 बचा। अब ये हो गया हमारा एक स्टैक, हो गया हमारा एम्प्टी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से ये है हमारा, अब इसमें कुछ केसेस होते हैं कि जैसे ओवरफ्लो, अंडरफ्लो या पीक। तो ओवरफ्लो केस क्या है हमारा कि ओवरफ्लो में क्या होगा, कह रहा है इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन वन ट्राई टू पुश एन एलिमेंट इन स्टैक क्यू दैट इज फुल। मतलब क्या है कि ये सिचुएशन तब होती है जब हमारी एलिमेंट इन स्टैक क्यू वो हमारा फुल होता है, ठीक है। अगर जैसे हमने यहाँ देखो कि ये हमारा स्टैक फुल स्टैक है, ये हमारे इसमें यहाँ पर हमने फुल हो गया, 5 एलिमेंट का था, 5 एलिमेंट ऐड हो गए। आफ्टर 5 एलिमेंट ऐड होने के बाद हम क्या है इसमें 6 का एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें जब जगह है तो ये क्या होगा कि हमारा ओवरफ्लो। कह रहा जैसे ने यहाँ बताया कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन वन ट्राई टू पुश एन एलिमेंट इन स्टैक क्यू दैट इज फुल। इन पाइथन ओवरफ्लो कंडीशन डज नॉट अराइज अनटिल ऑल मेमरीज और एग्जॉस्टेड। मतलब ये तब तक कंडीशन हमारी नहीं अराइज होती जब तक हम मेमरी हमारी एग्जॉस्टेड नहीं होती, कि मतलब हमारी कंप्यूटर की जितनी भी मेमरी है ये वो यूज़ नहीं हो जाती। अंडर फ्लो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन वन ट्राई टू पॉप एन आइटम फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक क्यू। इट रेफर टू अ सिचुएशन मतलब ये क्या होगा, ये सिचुएशन तब आएगी जब हम हमारा एम्प्टी स्टैक होगा उससे भी हम एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं। जैसे हमने ये पॉप है, यहाँ से ये एम्प्टी स्टैक है, अभी डिलीट करने के बाद ये पूरा डिलीट हो गया। अब डिलीट होने के बाद अब इसमें एलिमेंट ही नहीं, अब इसमें से हम कौन सा एलिमेंट डिलीट करेंगे। तो ये अगर खाली स्टैक से अगर हम एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा मतलब अंडरफ्लो। पीक, पीक में क्या होता है कि पीक का मतलब है कि ये आपके टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक के टॉप एलिमेंट को आपके चेक करेगा, मतलब इंस्पेक्ट करेगा, उसको रिमूव नहीं करेगा। रिमूव करने का काम किसका होता है, पॉप का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहेगा, ये केवल इंस्पेक्शन करेगा स्टैक टॉप। तो आई होप कि आपको इतना ये समझ में आया होगा। थैंक यू।